केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद परिवर्तन यात्रा पर निकले चौधरी विजेंद्र सिंह ने एक बार फिर से अपनी ताकत का एहसास विपक्षी दलों को करा दिया है। मेरठ से शुरू हुए दूसरे चरण में हजारों ट्रैक्टर व वाहनों के काफिले के साथ विजेंद्र सिंह ने बिजनौर में प्रवेश किया। बिजनौर कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद विजेंद्र सिंह ने यह संदेश भी दे दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पार्टी दमदार तरीके से अपना एहसास कराएगी। वाहनों के लंबे काफिले के चलते रास्ते भर में पुलिस का भारी इंतजाम होने के बावजूद कई जगह जाम की स्थिति बनी रही। रास्ते में जगह जगह विजेंद्र सिंह का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। इस यात्रा में मिले भरपूर समर्थन से गदगद चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता किसान व गांवों से होकर जाता है। किसानों के हितों की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन तक जारी रहेगी। अब रुख करते हैं परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की। बिजनौर में लोकदल कार्यालय के उद्घाटन के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए चौधरी विजेंद्र सिंह ने यह कहा। आज आपने लोकदल पार्टी के उसमें आपने दिल्ली से बिजनौर तक रोड शो किया है, क्या मकसद है, क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी? लोकसभा का चुनाव तो जनता तय करती है। हमारी तो जो किसान जोड़ो यात्रा थी, किसानों को एक मंच पे लाने का उद्देश्य था। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली से लेकर बिजनौर तक शायद किसी ने इतनी भीड़ अपने जीवन में देखी होगी। और ये किसानों का सम्मान है, किसानों की एकजुटता है। और किसान जब ठान लेता है, क्या खेत हो या खलियान हो या दिल्ली हो या लखनऊ हो, वो जो चाहता है वो कर सकता है। देखिए, किसान इस समय ठगा महसूस कर रहा है। आज अगर आप देखें, स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश में 70% किसान हैं, गन्ने की समस्या है, MSP लागू नहीं है, MSP का कानून पूरी तरह लागू नहीं है। आप गन्ना पैदा करते हो, बैंक से ऋण लेते हो,
गन्ना मिल में डाल देते हो और आपको ये नहीं मालूम होता कि आपको उसका पैसा कब मिलेगा। और जितने भी किसान के युवा हैं, बच्चे हैं, आने वाली जो नई जनरेशन है वो कुछ आगे बढ़ना चाहती है, तो उनके पास संसाधनों की कमी है। अगर वो आज ट्रैक्टर बाजार से खरीदना चाहें, आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस समय किसानी बहुत छोटी बच गई है, 5 बीघे 10 बीघे के खाली खेत बचे हुए हैं। और जब युवा किसान ट्रैक्टर लेने जाता है तो उस समय उसके माँ बाप, उसके बुजुर्गों, उसके बाप दादा की जमीन गिरवी रखने के लिए कहा जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है, जब आप 1-1.5 करोड़ की गाड़ी लेने जाओ तो उसमें तो हायर परचेज चढ़ा देते हो, और जब ट्रैक्टर लेने जाते हो तो हमारे माँ बाप की जो पुरखों की जो जमीन दी हुई है उसको गिरवी रख लेते हो। तो हमारा ये कहना और मानना है कि अगर हम लोग ट्रैक्टर ले रहे हैं तो गाड़ी की तरह उस पर भी उसी तरीके से लोन दिया जाए, और अगर किसान ट्रैक्टर की किस्त नहीं जमा कर पाता तो अपने ट्रैक्टर ले जाए। ये चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी इसके संस्थापक थे, उन्हीं का डंडा झंडा उठा के हम लोग सब लोगों के बीच में हैं। हम यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने नहीं आए, हम तो यहाँ पर सिर्फ किसानों को एकजुट करके उनके जो मुद्दे हैं, जो छूट गए हैं, जो सरकार नहीं देख रही है, खाली उनको उठाने का है। इसका प्रभाव खाली किसानों के हित में पड़ेगा। लोग किसानों के घरों में जाएंगे, क्या वो पक्ष हो क्या विपक्ष हो, दलों से ना तो राजनीति कर सकते हैं और ना ही किसी दल का आज के समय में किसानों के प्रति रुझान है। क्या आप आने वाले चुनाव में निष्पक्ष लड़ेंगे या किसी के साथ? अगर जैसा जनता कहेगी, जैसे मजदूर किसान युवा वर्ग कहेंगे, जो उनका फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। 2024 में किसानों के अलावा और कौन सा बड़ा मुद्दा आपके लिए अहम है? युवा रोजगार, कुटीर उद्योग। अगर देखिए, हम लोग गांव समाज से हैं, छोटे कस्बों से हैं, हम पूंजीपति नहीं है, हम छोटे उद्योग लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ चीनी होती है तो खांडसरी का व्यापार कर सकते हैं, उसमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। कौन सा कुटीर उद्योग लगा रहे हैं हम? सरकार की जो योजना है वो किसानों के प्रति नहीं है। 130 किलोमीटर लंबे रोड शो में मुझे एक इंच जमीन ऐसी नहीं मिली गाजियाबाद से यहाँ तक जहाँ ट्रैक्टर ना हो, जहाँ लोकदल पार्टी का झंडा ना हो, जहाँ किसान अपनी पगड़ी बांध के ना खड़ा हो, जहाँ किसान लोकदल का झंडा ना लिया हो खड़ा हो, जहाँ किसान अपनी आवाज ना उठा रहा हो। ये कहीं ना कहीं उनके मन की पीड़ा वो सड़क पर लेकर आए हैं। इस व्यापक जन समर्थन जो आपको रास्ते भर में मिला, उस बारे में क्या कहेंगे? ये मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका मैं उन सबसे वादा करता हूँ आप सब लोगों के सामने, उनकी जो भी आशाएं हैं मैं उनके साथ खड़ा हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।